जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो आज मेरा डे टू शुरू हो चुका है और डे टू शुरू है यहाँ से क्या नाम है बिथल से। और अभी मैं जा रहा हूँ रामपुर में दत्तनगर एक छोटा सा गांव है वहां पे मेरा दोस्त रहता है रोहित। उनको कुछ सामान देना था, उनका एनफील्ड का कुछ सामान था जो उनको यहाँ नहीं मिल रहा था रामपुर एंड हिमाचल में, तो मैं दिल्ली से उनके लिए लेके आया था। वो उनको देके फिर मैं गाड़ी भी अपनी उनके यहाँ ही रख दूंगा। जिप्सी पीछे आ रही है, उन्होंने बोला कि हम लोगों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप तब तक पहुंचो, तब तक मैं उनसे मिल लूंगा, चाय नाश्ता कर लूंगा, उनके यहाँ गाड़ी लगा दी जाएगी और फिर वापस जिप्सी में बैठ के सांगला की ओर चल देंगे। तो आज प्रातः का यही है हिसाब किताब। आप वादियां देखो यार, ऊपर अगर आप देख रहे होगे तो पहाड़ पे ना बर्फ गिरी हुई है, सामने वाले पहाड़ पे देख रहे हो कितनी नीचे बर्फ आई हुई है। तो भैया बता रहे थे कि पिछले 4 दिनों में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है। आज बिकॉज मैं आ गया हूँ यहाँ पे तो ऑब्वियसली ना बादल है ना बारिश है ना कुछ है। पहाड़ों पे पहुंचते पहुंचते जैसे जैसे मैं पहुंचता हूँ वैसे वैसे मौसम ठीक होता जाता है और अब यहाँ पे मस्त हो चुका है मौसम। तो मेरे को अभी यहाँ से लगेंगे 35 से 40 मिनट, 10:50 हो रहे हैं, तो तकरीबन 11:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, 11:45 मैक्स। गाड़ी हमारी जो एक दिन में कल चली है, अगर मैं आपको ट्रिप बी मीटर दिखाऊं तो अभी हमारी जो रेंज बची है वो डीजल की 164 पड़ी है, यानी कि डीजल ठीक ठाक है, जाते हुए डलवाऊंगा जब मैं परसों आऊंगा। तो ये हमारा 17.9 का यानी तकरीबन 18 का एवरेज माइलेज दिया गाड़ी ने, जिसमें गाड़ी करीबन 4 घंटे तो ट्रैफिक में खड़ी रही और चला दी है मैंने 545.7 किलोमीटर। तो गाड़ी चली अच्छी खासी है, एक दिन में 550 किलोमीटर चलाना मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ बात होती है, बट मैंने 700-800 भी चलाई है। तकरीबन दिल्ली से मैं गुलमर्ग तक गया हूँ, तो गाड़ी से नहीं, वो तो मैं बाइक से गया था इनफैक्ट, बट हाँ ये वाला थोड़ा टफ हो गया था क्योंकि 3-4 घंटे गाड़ी में बैठे रहना वाट लग जाती है। तो जी आज का यही है सांगला का हमारा प्लान है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वादियां आपको थोड़ी सी दिखा चुका हूँ, अभी तो शुरू हुई है। सामने देखो क्या पहाड़ है यार, तो आगे मिलते रहते हैं, आगे मैं वीडियो शूट करता ही रहूंगा, जो भी होगा रिकॉर्ड करता रहूंगा, कुछ अगर बताने लायक होगा तो मिलते हैं करीबन 1.5 घंटे बाद। तो जी एक छोटी सी अपडेट, अगर आपको नहीं दिख तो नहीं रही होगी, शायद अब दिखे, लेफ्ट हैंड साइड पे ना नदी दिख रही होगी नीचे। एक सेकेंड में गाड़ी साइड में लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना, ये जो नदी है स्कूल में किताबों में पढ़ा करते थे सतलुज नदी है ये, तो जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये पूरे हमारे रास्ते जब तक हम नीचे जाएंगे तब तक हमारे रास्ते में ही रहेगी, ये सतलुज नदी है ये। बताओ क्या लाइफ है, जो किताबों में जो चीजें पढ़ी थी वो देखने को मिले तो बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस होता है, राइट। चलते हैं आगे भैया, है ना। करते ही भैया लग रहे हैं हैंडसम यार, ये वाला तो मुझे वो लेके आना चाहिए था, पंच वाला चश्मा यार, ध्यान नहीं दिया मैंने। आपके लेफ्ट में जो स्नो रेंजेस है वो बसपा रेंजेस है और आज हमें ठीक इसके पीछे जाना है, सनराइज के पीछे। तो हम लोग किन्नौर में जाते हुए देव भूमि किन्नौर जिला प्रशासन आपका स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे एक किन्नौर वैली के बीच में पहुँचने से पहले एक जगह पड़ती है जहाँ पे एक पूरा पहाड़ काटा हुआ है और पहाड़ के बीच में से रोड बना हुआ है, अगर आप देखोगे ना ये पूरा रोड बनाया हुआ है इन्होंने,
बीचों बीच। तो जिस शख्सियत से आप मिलने वाले हैं वो अभी अविनाश भाई, ही इज़ द वन जो हमें लेके जा रहे हैं पूरे ट्रिप पे। इनका नाम है मिस्टर अविनाश। हेलो। बड़ी सही चीज़ देखी है, देखो वो आवाज़ आ रही होगी, पानी गिर कहाँ से रहा है, देखना पानी गिर कहाँ से रहा है, वो देखो ऊपर से। शेट यार, कतई ठंड। ओ भाई, हाँ जी, ओ नाइस यार। तो हम लोग थोड़ी एक जगह पे रुक गए जहाँ पे भाई वो पहाड़ था, हाँ, हाइड्रो प्लांट। तो जी हम लोग अभी रुके हैं लंच करने के लिए। आपको किन्नर कैलाश के पहले दर्शन करवाता हूँ यहाँ से, तो लेट मी ट्राई टू जूम इन, अगर जूम इन होके देख सकते। तो अगर आपको ये सेंटर में जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, सेंटर बिल्कुल बीचों बीच वाइट कलर का, अगर मैं आपको उंगली से दिखाऊँ तो ये वाला, ओके, ये पॉइंट जो है ना, ये वाला, हाँ जी, ये किन्नर कैलाश है। तो पहले दर्शन है जय हो भोले बाबा की। मैंने सोचा दर्शन सब मिले हैं, इनको देख रहे हो आप, बब्बू को, बब्बू उतरा 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 उतरा, इसको कोई दिख गया, कोई दिखा है इसको, दूसरे को, ये रहा बब्बू। ओ बब्बू, ओए ओए छोड़े, हाँ भालू। तो अविनाश भैया ने एक चैलेंज दिया है कि यहाँ पे इस पहाड़ पे एक सड़क है और वो मुझे ढूंढनी है। आइडिया नहीं था बट भैया ने मेरी हेल्प करी है। वहाँ से सड़क चल रही है, 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 रियलाइज़ भी नहीं होगा कि वो सड़क है। एंड ऐसे 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 ये वाला रोड, ये पूरी सड़क झरने से होते हुए पार, वो रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आपको कि वो सड़क है, क्योंकि ना ही कोई पिलर्स है, ना ही कोई साइड बाउंड्रीज है। ये क्या रखा हुआ है छुपा के, ये कौन सी रेंज है? ये बसपा रेंज, बसपा रेंज है पूरी। लोग पहुंचने वाले हैं सांगला, उससे पहले एक पेट्रोल पंप पड़ा है तो वहाँ पे डीजल डलवा रहे हैं साथ की गाड़ियाँ, सफारी और पजेरो है, इंडियन ऑयल, लास्ट पेट्रोल में आका, और नीचे बर्फ। ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग होगी 48 घंटे दो दिन पुरानी बर्फ लगभग। तो जी आज हम शाम के बज रहे हैं तकरीबन 5:30 और हम आज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। हमारा होटल वो है होटल प्रकाश रेजेंसी, ओके, एंड ये सामने का व्यू है, व्यू तो खैर क्या ही बोलूँ, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ देखो वहाँ बर्फ है। कह रहे हैं परसों बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, कल भी पड़ी है हल्की सी, कल दोपहर में। तो अगर आप, मैं वैसे ख़राब करना ही चाहता, देख रहे हो पीस पैर अंदर मस्त। और ये सारे के सारे एप्पल फार्म हैं, एप्पल ट्रीज़ हैं सामने, देख रहे हो कतई वाइट एकदम ना स्नो, कतई वाइट, सांगला वैली। 3-4 साल से मैं सोच रहा था कि स्पीति कभी करूँगा, स्पीति कभी करूँगा, एट लास्ट इट इज़ हैपनिंग। और वो सामने देखो ऊपर धुआं, धुआं या बादल जो भी कहोगे। तो जी होटल है आज रात के लिए, ये डाइनिंग कह लो, लॉन्च कह लो, यहाँ रखे हुए सेब, मैं पकड़ लूँगा एक पेटी भैया से पूछ के। तो जी हमारा रूम नंबर है 301, दफ़ा 302, इसमें नहीं लगना, 301, ठीक है, हाँ जी, बेसिक सा रूम होना चाहिए, बेसिक ही है, पावर सॉकेट भी है,
केटल भी आयरन, केटल गरम वाली तो नहीं लग रही है मुझे, केटल नहीं है, जा रही है खाली। हाँ जा रही है, चलो। और मैं आपको साइड और एक शायद मेरे ख्याल से गैलरी भी है वो भी व्यू दिखा रहा हूँ। ये तो टीवी है, तो साइड का कर्टेंस का व्यू कुछ ऐसा है। ओके, और फ्रंट का एक बार देखते हैं कि गैलरी से या बालकनी से क्या दिखता है। ओह सो फ्रंट फेसिंग है जहाँ तक लग रहा है। एक मूड़ा भी दिया हुआ है, टेबल भी दे दी है और ये रहा। तो आज हमारा द्वितीय दिन, अभी दोपहर है, मैं शाम को अभी ज़रा नीचे एक मार्केट में चक्कर मार के आऊँगा। तो जी हम लोग जा रहे हैं ज़रा मार्केट तक, मैं ही जा रहा हूँ और आगे भी जो ये नहीं एक ग्रुप जा रहा होगा, अगर आपको वो सर्कल मार्च में थोड़ा आगे निकल चुके हैं तो वो मार्केट तक जा रहे हैं अपने लिए कुछ रात्रि का सामान खरीदने के लिए। ये एक बब्बू बैठा हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री है, मैंने भी चेक नहीं किया, लगभग गाड़ी में देखा था तो 3 डिग्री है, तो अब तो 2 तो हो गया होगा, 6:15 हो रहे हैं और माहौल बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप पीछे देखोगे वो जो जा रहे हैं जो पैदल पैदल, वो हमारे ग्रुप के हैं। और ये पहाड़ नाइस मैन, बाइकर्स दिखते हुए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन खिलाड़ियों का। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं कुछ सामान वगैरह लेने, मैं रात के लिए चिप्स वगैरह ले लूँगा एंड लेट्स सी। तो जी आज का व्लॉग अपन यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि रात्रि हो चुकी है बहुत ज़्यादा और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो कल हमारा है सांगला से चितकुल का, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत एक्साइटिंग है। तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम, सब्सक्राइब अक्षा व्लॉग्स।